जिन लोगों ने मुझे प्रधान चुनाया वो बोल रहे होंगे कहाँ गई प्रधान जी। राजस्थान अलवर से मैं जितने भी मिट्टी के बर्तन यहाँ देहरादून वाले घर में लेके आई थी वो सभी सुरक्षित यहाँ तक पहुँच गए थे। क्या ये तो गंदा बच्चा जैसे लग रहा मुझे। क्यों? और जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है अब ज्यादातर लोग यहाँ ऋषिकेश में राफ्टिंग करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है मन कर रहा है आग सेक लें। आज मैं भी पहली बार आई यहाँ पे। हाँ छोटी बुली तो बड़ी लग रही है भाई, ये देखो ना मेरी आई छोटी होगी। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून शहर से। दिन के लगभग 1 बजे का टाइम हो गया है, आसमान पे हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं, धूप की आंच थोड़ा सा कम महसूस हो रही है और उसी के साथ ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। राजस्थान अलवर से मैं जितने भी मिट्टी के बर्तन यहाँ देहरादून वाले घर में लेके आई थी वो सभी सुरक्षित यहाँ तक पहुँच गए थे और इस वाले घड़े पर हमने पानी भर के रखा हुआ है और इसी का पानी हम पीते हैं। सिर्फ ये जो ढक्कन था ना वो टूट गया था, दूसरा ढक्कन भी है वैसे हमारे पास लेकिन वो इस वाले घड़े का है। गुल्लक भी अच्छी तरह से पहुंच गया था, बाकी तवा वगैरह भी पहुंच गया था और ये तवा मैं ले जा रही हूँ सुमन भाई घर जी। इसको चूल्हे पे मतलब आग वाले चूल्हे पर रखेंगे हम जी। और सुमन भाई बोल रहे इसमें बनती है रोटियाँ, अब देखते हैं, हमने फर्स्ट टाइम देखा है तो अब देखते हैं सुमन भाई। और बच्चे को इसी घड़े का पानी देना ठीक है, घड़े का पानी बिल्कुल ठंडा सा रहता है और हमने भर के रखा हुआ है पानी, फ्रिज का पानी मत देना ठीक है। और इसी के साथ बहुत दिनों के बाद हमारी तैयारी होगी है यहाँ देहरादून वाले घर से त्रियोगीनाथ जाने की। अभी इसी घर पे रहेगा क्योंकि अभी की 5th की पढ़ाई भी स्टार्ट होगी है, नया सेशन स्टार्ट हो गया है। हाँ। अभी खूब पढ़ाई करना ठीक है। ठीक है। अभी के साथ वैसे ताई जी और उसकी दीदी सब हैं और कुछ दिनों के बाद प्रीति भी यहाँ पे आने वाली है, सुमन भाई हैं और उसके भाई अभिषेक और अमन भी है, मतलब अभी अकेला नहीं है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं अभी अकेला है नहीं, सिर्फ मम्मी और पापा नहीं है। हाँ। दादी भी हमारे साथ घर जा रही हैं, यानी कि सासू जी भी घर जा रही हैं और हम कुछ दिनों के बाद अभी को मिलने के लिए फिर से आएंगे। हाँ। अभी का ट्यूशन वगैरह भी लगा दिया है, होम ट्यूशन लगाया है इस बार, क्योंकि मुझे चिंता रहती है ना कि अभी साइकिल से जाएगा कहीं कुत्ते ना काट ले, क्योंकि ये कुत्तों से भी बहुत डरता है और गली में भी बहुत सारे कुत्ते रहते हैं, है ना। तो घर में अच्छे से पढ़ाई ठीक है। ठीक है, मैं देखती रहूँगी कैमरा पे। हाँ ठीक है ठीक है। गंदे काम मत करना। अरे ठीक है। वैसे गंदा काम नहीं करता है लेकिन पढ़ाई में थोड़ा लापरवाही कर लेता है ना। और इसको छोड़ने का मन तो नहीं करता है, इस बार काफ़ी टाइम हो गया है इधर उधर घूमने के लिए गए, तो अगर ज़्यादा टाइम तक इसके साथ रहो ना फिर जाने का मन नहीं करता है, लेकिन जाना तो पड़ेगा ही क्योंकि मेरा भी वहाँ काम है। काफ़ी सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं लेकिन काफ़ी सारे नहीं हो पाते हैं। जिन लोगों ने मुझे प्रधान चुनाया वो बोल रहे होंगे कहाँ गई प्रधान जी। अभी ने एक दिन मुझे भाषण देते हुए देखा, बोला मम्मा प्रधान है ना, उस दिन हाँ। खुश हो गया अभी। और अब जाना ही पड़ेगा, आज मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ तो गर्मी है तो देखते हैं पहाड़ों का मौसम कैसा है। तो सफ़र में आगे बढ़ते हैं और आपको खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे दिखाते हैं। बाय बाय अबू। बाय। तो सभी लोग यहाँ पे बैठ के मस्त मजे से टीवी देख रहे हैं और अभी के साथ देखो सुमन भाई हैं। सुमन भाई अभी का ख्याल रखना अच्छे से। और अमन है, अमन के पेपर ख़त्म हो गए, छुट्टी भी पड़ रखी लेकिन फिर भी गांव नहीं आ रहा है क्योंकि जल्दी नया सेशन स्टार्ट होने वाला है। और अवजीत भी यहीं रहेगा कुछ दिनों तक, अब अच्छे से इलाज करना अपना ठीक है। इसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा, शायद खान पान की वजह से हो रहा है, अब पता नहीं, अब देखते हैं हॉस्पिटल जाके। हाँ हाँ, एक हफ्ते की दवाई दे रखी थी, अभी फिर से चेकअप करवाना है। तो सासू जी भी बिल्कुल रेडी हो गई हैं घर जाने के लिए। जी ये खीरा, सासू जी का शहर में रहने का मन नहीं करता। चलो सासू जी सबसे लास्ट में रेडी हुई, गाड़ी भी यहाँ पे स्टार्ट होगी है, गाड़ी में फुल सामान भरा हुआ है, साथ ही हमारे घर के आगे पे काम भी स्टार्ट हो गया है। जब हम अगली चक्कर आएंगे तो यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई दिखाई देगी हमको। दीदी बाय बाय, अभी का ख्याल रखना ठीक है। बाय। क्या ये तो गंदा बच्चा जैसे लग रहा मुझे। क्यों ऐसे गंदा बच्चा जैसे लग रहा मुझे, ये मेरे सिंदूर है। पापा के पैर छू। बाय बाय अबू। बाय। देहरादून से ऋषिकेश के बीच आज रोडों पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है क्योंकि आज संडे है तो सभी छुट्टी मनाने के लिए ऋषिकेश में आते हैं, इसलिए काफ़ी चहल पहल देखने को मिल रही है। तो अब देखते हैं ऋषिकेश शहर का माहौल कैसा है।
सैटरडे संडे को ऋषिकेश के तपोवन में देखिए बहुत ही भयंकर टूरिस्ट आए रहते हैं यहाँ एडवेंचर करने के लिए। फॉरनर भी ज़्यादा दिखाई देते हैं जिससे यहाँ रोड पे काफ़ी ट्रैफिक देखने को मिलता है। आज के सफ़र में हम चार लोग हैं, हस्बैंड जी, मैं, सासू जी और साथ में बालेश्वर है। बालेश्वर देहरादून में होली के लिए आ गया था और आज हमारे साथ घर जा रहा है। एक साइड देखिए गाड़ियों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है और हमारे साइड वाली लाइन हल्के हल्के से आगे बढ़ रही है। और जैसे ही गर्मी बढ़ने लगती है अब ज़्यादातर लोग यहाँ ऋषिकेश में राफ्टिंग करने के लिए आते हैं। तो चलिए जी, हमको जाम यहीं पर तक मिलने वाला था, अब इससे आगे हमको रोड बिल्कुल खाली खाली देखने को मिलेगी और यहीं से आगे अब सिर्फ पहाड़ी रास्ता शुरू होता है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़े वैसे ही धूप के साथ साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, अलग ही सा मौसम हो रहा है। शाम के लगभग 4 बजे का टाइम हो गया है और आगे बढ़ते हुए हमने सफ़र में एक स्टॉप ले लिया है। यहाँ पे हम रुके हुए हैं कुछ खाने पीने के लिए और आज ना जाम में लगभग 2 घंटे का टाइम हमको लगा है, हालत ख़राब हो गई। जाम में थोड़ा सा भी रहो ना थकान सी महसूस हो जाती है। अभी तो काफ़ी लंबा सफ़र हमने तय करना है, हमने लंच नहीं किया था तो यहाँ पर कुछ खा पी लेते हैं। यहाँ हाईवे पर नीचे की साइड से काफ़ी सारे ढाबे बने हुए हैं, इन लोगों का गांव यहीं ऊपर पे है, हमने इस वाले ढाबे में खाना खाया है। थैंक यू सो मच, अच्छा खाना बनाया था, थैंक यू। तो चलिए जी, पेट पूजा करने के बाद अब बढ़ते हैं खूबसूरत सफ़र में आगे और अब हम कहीं भी स्टॉप नहीं लेंगे, सीधे सोनप्रयाग में जाके स्टॉप लेंगे क्योंकि काफ़ी देर तो यहीं हो चुकी है और सोनप्रयाग पहुँचते तो मुझे लग रहा है रात के 9-10 तो बज ही जाएंगे, तो देखते हैं। पहाड़ों की तरफ सफ़र में आगे बढ़ते हुए हमको दूर दूर पहाड़ियों पे सुंदर सुंदर गांव दिखाई देते हैं और यहीं सामने वाली पहाड़ी पे देखिए एक सुंदर सा गांव दिखाई दे रहा है। उस गांव में काफ़ी सारे पठाली वाले मकान हैं, यानी कि जिनके छत पे पठाली लगी हुई है और काफ़ी सारे नए ज़माने के मकान भी हैं। और इधर साइड काफ़ी गर्मी होती है तो ये पठाली वाले मकान गर्मियों के टाइम पर काफ़ी अच्छे ठंडे रहते हैं। सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम देवप्रयाग में पहुंच गए हैं और यहां से देखिए देवप्रयाग का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। सामने है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी और यहां से देखिए संगम का नज़ारा ना बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पहले मैं थोड़ा आगे पर रुकती थी, आज मैं थोड़ा इधर साइड रुकी हूँ और यहाँ से भी संगम के नज़ारे देखिए बड़े मस्त दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी सारे श्रद्धालु वहाँ संगम पर स्नान करने के लिए जा रखे हैं। शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो गया है और आगे बढ़ते हुए हमने फिर से एक दूसरा स्टॉप ले लिया है। यहाँ पे हम रुके हुए हैं शाम की गर्मा गर्म चाय पीने के लिए। आगे बढ़ते हुए हम श्रीनगर गढ़वाल में पहुँच गए हैं और यहाँ आते आते हल्का हल्का अंधेरा होने लग गया है, साथ ही आसमान पे काले काले बादल भी छाए हुए हैं। रात के लगभग 9:30 बजे का टाइम हो गया है और सफ़र में आगे बढ़ते हुए फाइनली हम सोनप्रयाग में पहुंच गए हैं और जैसे ही हम गाड़ी से उतरे ना इतना भयंकर ठंडा हो रहा है क्या ही बताएं। मतलब शहर वाले लोग जो गर्म इलाकों में रहने वाले हैं ना वो सोच भी नहीं सकते यहाँ पे इतना ठंडा हो रहा है। शहरों में ऐसे ना ठंडियों के टाइम पर इतना ठंडा होता है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो सबसे पहले जैकेट पहन लेते हैं और सर में टोपी पहनने की ज़रूरत भी महसूस हो रही है और इधर साइड सभी ने जैकेट वगैरह टोपी वगैरह पहन रखी है। भयंकर ठंडा हो गया, भयंकर वाला। देहरादून में भी गर्मी स्टार्ट होने लगी है और शाम के टाइम पे जो ठंडी ठंडी हवा चलती है ना उस ठंडी ठंडी हवा में टहलने का मन करता है, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंडी हवा चल रही है मन कर रहा है आग सेक लें, मतलब इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। वैसे तो साल भर यहाँ लोग स्वेटर ही पहनते हैं, सिर्फ सेप्टेम्बर के महीने में ऐसा होता है जब स्वेटर उतारने का मन होता है, यानी कि तब जो ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ होती ना तो बर्फ़ गल जाती है तो ठंडी ठंडी बर्फीली हवा नहीं चलती है। हस्बैंड जी ने भी टोपी रख दी है, जैकेट पहन लिया है, कितना अंतर है ना मौसम में, ऐसे में तो हम बीमार होते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है ना। और हस्बैंड जी सीधे उतरे और पूरे होटल का निरीक्षण करने के लिए चले गए, है ना, तैयारियां हो रही हैं यात्रा करने के लिए। नए कमरे बने अभी। बिल्कुल बिल्कुल, नए कमरे तो हम बाद में दिखाएंगे कैसा डेकोरेशन हुआ क्या हुआ। बाकी स्टाफ वाले काफ़ी सारे लोग उधर हैं और अर्जुन बेटा भी यहीं है। यहाँ पे बाहर पे भी ये काम भी हुआ है,
इधर साइड पार्किंग टाइल वगैरह लगा दी। रात के लगभग 12 बजे का टाइम हो गया है और फाइनली हम अपने घर पे भी पहुंच गए हैं। और ठंडा इतना हो रहा है ना, मतलब थोड़ा सा चढ़ाई पर चढ़े चक्कर आने के लिए हो गया था ठंडी ठंडी हवा से, क्योंकि एकदम से गर्म माहौल से ठंडे माहौल में आ गए ना, ऐसे में तबीयत ख़राब हो जाती है, जुकाम बुखार। सीधे घर में आके मैंने स्कार्प रख दिया है और प्रीति सो गई थी। प्रीति कैसी है? बस बढ़िया। अच्छा, और इसकी ना मुझे बहुत खुद आ रही थी। आज मैं भी पहली बार आई यहाँ पे। हाँ, छोटी बुली तो बड़ी लग रही है भाई, ये देखो ना मेरी आई छोटी हो गई। और इसने आज खेतों में काम किया, खूब काम किया, गोबर डाला। चलो, मेरा खेत वैसे ही रह गया था बीच में। और इसने आज खूब मेहनत भरा काम किया। और देवर जी भी आज यहीं आ रखे हैं, शायद एक दो दिन तक यहीं रहेंगे। मैं रहूंगी एक दो दिन तक। शादी के बाद फर्स्ट टाइम हम एक ही घर में, पहली बार। और बहुत सारे लोग तो बोल रहे थे कि अपनी बहन के साथ नहीं लड़ाई पहले ही होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका तो अलग काम है, मेरा अलग काम है। और इसकी शादी ऐसे टाइम पे हुई ना, इसका भी काम ही काम था, कॉलेज का, और मेरा भी पता नहीं कैसा कैसा काम था। और अब डिनर कर लेते हैं, इन्होंने तो कर लिया होगा। मैं सो गई थी, वो सो गई थी, सो के उठाया कि सासू जी आ गए हैं, सबको प्रणाम करने के लिए बाहर आए। देवर जी सासू जी के साथ बैठ रखे हैं और सब लोग सो गए हैं, सब पूरी दुनिया सो गई। अब मुझे लग रहा है गांव वाले सुबह उठेंगे और हमारे सोने का टाइम। प्रीति हमारा इंतजार कर करके सो गई थी, प्रदीप देवर जी बाहर पे खड़े हो रखे थे, जल्दी चाबी लाओ चाबी लाओ, क्योंकि दो कमरे तो ओपन थे लेकिन इधर साइड वाले कमरे ओपन नहीं थे, कंबल वगैरह नहीं थे, यहाँ तो रजाई कंबल सब चाहिए है ना रखने के लिए। ठंडा तो बहुत है। प्रीति तू सो जा, हम खाना खा लेते हैं, उसके बाद हमको भी थकान लग गई। तो अब एक दो दिन तक प्रीति यहीं पर रहेगी तो काफ़ी अच्छा माहौल होने वाला है अब घर का। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।